Hello kids, how are you? So today we are going to learn maths, and today we are going to learn in maths circle the smallest number. Okay, 0 to 13 smallest number ko circle karna sikhenge. Okay, so first ye number lines bane hue hain. So first read 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So when we count further from 1 to 13, number becomes bigger. Okay, so 1 se bada 2, 2 se big 3, 3 se big 4, 4 se big 5, 5 se big 6, 6 se big 7, 7 se big 8. जैसे हम लोग काउंट करते जा रहे हैं आगे की तरफ, नंबर बड़ा होता जा रहा है. ओके, सो वन सॉरी सो जीरो स्मॉलेस्ट नंबर और 13 बिगेस्ट नंबर. इस लाइन में जीरो स्मॉलेस्ट नंबर और 13 बिगेस्ट नंबर कहलाएगा. ओके, सो इस लाइन में सॉल्व करेंगे हम लोग. 4 दिए हुए और 3 दिए हुए हैं. ओके, सो स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है, सर्कल करना है. सो यहाँ पे देखेंगे 0, 1, 2, 3. 3 स्मॉलेस्ट है, 3 के आफ्टर 4 आता है, दैट्स मीन 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. सो 3 को सर्कल कर देना है. ओके, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे 6 है और 0 है. सो इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो जो सबसे पहले आता है वो स्मॉलेस्ट होता है, जो सबसे बाद में आता है वो बिगेस्ट होता है. सबसे पहले 0 आता है. ओके, एंड 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आता है, राइट. 0 के बाद 6 आता है, दैट्स मीन 0 स्मॉलेस्ट नंबर हो गया. सो 0 को सर्कल कर देना है. ओके, एंड नेक्स्ट लाइन में देखेंगे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 4, 8 और 10. तो इन तीनों नंबर्स में कौन सा नंबर स्मॉल है, ओके, कौन सा नंबर स्मॉल है. जो सबसे पहले नंबर आता है वो स्मॉल होता है, राइट. जो सबसे बाद में आता है वो बड़ा नंबर होता है, बिग नंबर होता है. सो यहाँ देखेंगे सबसे पहले कौन सा नंबर है, यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले 4 है, एंड देन 8, 8 4 के बाद आता है, राइट. 8 4 के बाद आता है, एंड 10 भी 4 के, वो तो 8 के बाद आता है, दैट्स मीन 4 सबसे स्मॉल नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है. सो 4 को सर्कल करना है. एंड थर्ड लाइन में देखेंगे 2 है, 3 और 1 है, तो तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, तो तीनों में सबसे पहला नंबर कौन आता है, 1 आता है, राइट. 1 के बाद 2, फिर 3 आता है, तो दैट्स मीन दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर. सो इसको सर्कल करना है. एंड नेक्स्ट लाइन में देखेंगे 8 है और 11 है, दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे पहले कौन आता है, इन दोनों में सबसे पहले कौन नंबर आता है, 8 आता है, देन 9, 10, फिर 11 आता है, राइट. सो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 8 होगा. सो यहाँ पे 8 को सर्कल करना है. एंड देन नेक्स्ट लाइन में देखेंगे 13 और 10 है. सो इन दोनों नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 13 है या फिर 10 है. सो पहले 10 आता है, राइट, एंड देन 11, 12, देन 13 आता है. सो 10 स्मॉलेस्ट नंबर होगा, सो 10 को सर्कल करना है. ओके, एंड लास्ट लाइन में देखेंगे 6 है, 10 है और 13 है, इन तीनों नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इन तीनों नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है. सो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है, 6 आता है, 10 आता है या 13 आता है, सबसे पहले 6 आता है, राइट. तो 6 क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा. सो इसको सर्कल कर देना है, इस तरह से कंप्लीट करना है. आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्मॉलेस्ट नंबर को किस तरह से सर्कल करना है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो सबसे पहले आता है वो स्मॉलेस्ट होता है, और जो सबसे बाद में आता है वो बिगेस्ट होता है. ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग.